हाय फ्रेंड्स, आई एम राजीव रेक और आप सभी देख रहे हो मिस्टर चैनल। ये दिस इज योर चैनल और आप सभी को इस चैनल में मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी अल्फाबेट लेटर वाई पर बात करूंगा कि जिन लोगों का भी नाम अंग्रेजी के अल्फाबेट लेटर वाई से शुरू होते हैं उनको वाई लेटर से किस तरह की क्वालिटियाँ मिलती है, किस तरह के नेचर मिलते हैं और वो क्वालिटी और वो नेचर को लेकर वो किस तरह से अपने लाइफ को बनाते हैं, किस तरह के लाइफ स्टाइल वो जीते हैं, किस तरह से वो अपने लव लाइफ को तैयार करते हैं, किस तरह से अपने करियर को बनाते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये काफ़ी जानकारी वाली वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें और फ्रेंड चलो आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों का भी नाम अंग्रेजी के वाई लेटर से शुरू होता है या फिर शुरू करते हैं, शुरू करने का मतलब कि अगर वो अपने सिग्नेचर करते हैं तो पहले वाई लिखते हैं फिर वो अपने जो साइन है वो पूरा करते हैं। तो शुरू होते हैं तो उन पर वाई लेटर अपने प्रभाव डालने लगते हैं और जो वाई लेटर की जो मैं नेचर बता रहा हूँ ना, तो इनके जो नेचर को देखकर, इनके लाइफ स्टाइल को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई साधु संत वाले लाइफ स्टाइल हो गए, साधु संत वाले नेचर हो गए, जो ध्यान साधना मेडिटेशन में लगे रहते हैं उस तरह वाले नेचर आपको देखने को मिलेंगे वाई लेटर में। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जिन लोगों का भी नाम अंग्रेजी के वाई लेटर से शुरू होते हैं वो अपने आप में मस्त, अपने ख्यालों में रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, इनकी एक अपनी दुनिया होती है, ये दूसरे लोगों से कम ही मिलते जुलते हैं, इन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं होता, अकेलापन शांति इनको पसंद है, इनमें एक अकेलेपन में ही अपने आप को खुद को काफ़ी खुश महसूस करते हैं और ज़्यादा बातचीत भी लोगों से करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा बातचीत भी करते भी नहीं है और कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ दें जो कि काफ़ी इनके करीबी है उनको अगर छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली ये ज़्यादा बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और ये आज़ाद ख्याल वाले लोग होते हैं, खुले विचारों वाले लोग होते हैं और दूसरे को मार्गदर्शन, सही ढंग का मार्गदर्शक दृष्टिकोण होते हैं। मतलब कहने का ना कि अगर कोई इनसे सलाह मांगे ना तो काफ़ी अच्छी सलाह देते हैं और लोगों को सही रास्ता ही बताते हैं। तो ये एक तरह से ये अच्छे सलाहकार साबित होते हैं। इसके बाद ये जैसे मैंने बोला कि खुले विचार आज़ाद ख्यालात वाले लोग होते हैं, इन्हें किसी भी विषय को लेकर एक स्पष्ट दृष्टिकोण होते हैं इसके, तो क्या है ना अस्पष्ट दृष्टिकोण होते हैं और ये बातों को घुमा फिरा के करना पसंद नहीं करते कि कोई इनसे अगर घुमा फिरा के बात करे तो वो पसंद नहीं करते, जो है जैसा है क्लियर कहना ही इनको पसंद पड़ते हैं। ये चीज़ आपको वाई लेटर में फ्रेंड्स देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको, यह अपने में खोए रहते हैं और इन्हें अपने जो काम होते हैं ना उनमें किसी का दखल अंदाजी पसंद नहीं है। मतलब कि कोई इनके काम में इंटरफेयर करे ना तो इनको पसंद नहीं है, ना ये दूसरे के कामों में इंटरफेयर करने जाते हैं ना करते हैं। तो अपने काम ये अपने ढंग से अपने तरीके से ही करते हैं और जो भी करते हैं एक्चुअली ये परफेक्ट करते हैं क्योंकि ये पहले से वही काम में हाथ डालते हैं ना जिनके बारे में इनको जानकारी है, जिनके बारे में पहले से ये जानते हैं और इनको इंटरेस्ट है, उन्हीं कामों में हाथ डालते हैं। ये नहीं कि कोई इनको बोल दिया है तो वो काम करते हैं, नहीं। तो इसलिए इनको काफ़ी वो काम करने में अच्छा भी लगता है, इनको ऑलरेडी जानकारी भी है और इनको इनके खुद को इंटरेस्ट भी है उस काम में, तो ये काम काफ़ी अच्छे ढंग से करते हैं और अपने कामों में सक्सेस होते हैं। इसके बाद ये अपने में खोए रहते हैं लेकिन अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए भीतर ही भीतर विचार विमर्श जो होते हैं ना, जो भीतर ही भीतर सोच विचार जो रहते हैं उसमें उनके ये चलते रहते हैं, जिससे ये अपने फ्यूचर को ब्राइट बना लेते हैं क्योंकि हमेशा सोच विचार उसको लेकर करते रहते हैं, अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं लेकिन भविष्य को किस तरह से बेटर सुंदर अच्छा किया जाए ये सोचते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं वाई लेटर के जो नेचर थे, इसलिए मैंने बोला कि जो आपको देखने को मिलेंगे ये साधु संत वाली क्वालिटियाँ रहती है और जो मैंने बोला कि एक चीज़ ना कि इनके जो जब ये बातचीत करेंगे तो बातचीत में इनके थोड़े कड़वाहट रहती है और कड़वाहट रहने का भी कारण ये है कि ये दिल से तो बुरे होते नहीं हैं कि दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे को अच्छे सलाह देते हैं, दूसरे को बुरे काम करने से रोकते हैं। तो फिर इनकी क्वालिटियाँ तो मतलब कि भीतर से तो ये अच्छे हैं लेकिन आवाज़ कड़वे क्यों हैं, तो आवाज़ कड़वे होने के कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक यही होना चाहिए, तो क्या है ना कि अगर थोड़े से अगर किसी से अगर अच्छे से, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सभी लोग की आवाज़ कड़वे होंगे, मैं जो बोल रहा हूँ 70-80% ही बातें आपको देखने को मिलेगी और 20-25% अपवाद में ले लो आप, क्योंकि हर तरह के लोग दुनिया में होते हैं और सिर्फ अंग्रेजी के लेटर से ही पूरे नेचर नहीं बनते हैं, इनके तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन की तरह आप लो इसको, मतलब कि एक हाँ आप लेकिन इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, आप दूसरे को देख रहे हो तो देख रहे हो कि हाँ ये फिट बैठ रहे हैं, ये फिट बैठ रहे हैं, ये नहीं बैठ रहे हैं, तो इस तरह से एक जनरल इन्फॉर्मेशन की तरह लेना आप। तो वही चीज़ है कि सभी लोग ऐसा हो ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन 70-80% लोग आपको देखने को मिलेगी।
तो उसको ही ये मापदंड को लेकर हम ये वीडियो बनाते हैं और कोई भी इसको वीडियो बनाते हैं। जैसे कि अगर 10 आदमी पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गया और उसमें से 7-8 आदमी में सिर्फ एक जैसा चीज़ देखा, तो 7-8 आदमी को लिया जाता है, 2 आदमी को अपवाद में रख दिए जाते हैं। हो सकता है किसी और कारण से वो 2 आदमी को उसमें फिट नहीं बैठे। तो इस तरह से मैं जो बोल रहा हूँ 70-80% आपको बातें सही लगेगी। तो इनकी आवाज़ में कड़वाहट रहने का कारण है ना कि जैसे कि इन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, लेकिन अगर ये अच्छे भी बोलें तो क्या होता है ना कि इनके पास भीड़ इकट्ठे होंगे, लोग तो इनको ऑलरेडी पसंद करना और भी ज़्यादा शुरू कर देंगे। तो थोड़े से कड़वे बोल देने से थोड़े से तो अच्छा है कि लोगों की भीड़ से अपने को अलग कर लेंगे लोग, और ज़्यादा अगर अच्छे से बोलेंगे तो इनके एकांतपन, जो इनके लाइफ स्टाइल है जीने के, जो अकेला रहना, एकांत में रहना, ये सब इनके डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि लोग मिलने आते रहेंगे, लोग बात और लोग आएंगे तो फिर बातचीत शुरू होंगे, तो एक अलग दुनिया बन जाएगी, अलग संसार बनेंगे जो इनके लाइफ स्टाइल से मिलते जुलते नहीं है। तो इसलिए थोड़े से कड़वे बोलते हैं ये, इनकी आवाज़ में कड़वाहट रहती है। उसके बाद इनके लव लाइफ को लेकर बात करूँगा अब मैं। तो लव लाइफ में एक्चुअली ये बहुत ही रोमांटिक होते हैं, रोमांस इनको बहुत ही पसंद होते हैं, और अपने पार्टनर को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं जब वो उनके साथ रहते हैं। जब भी अपने पार्टनर के साथ रहेंगे तो उनको बहुत अच्छा से ख्याल रखते हैं और उन्हें अपनी मौजूदगी का पूरी तरह से एहसास दिलाते हैं, जिससे उनके पार्टनर बहुत ही खुश रहते हैं उनके साथ में। लेकिन जब ये अपने काम में बिजी होते हैं तो अपने पार्टनर को भूल जाते हैं, और तब इनको पार्टनर को इसको लेकर थोड़े से रहते हैं कि भूल जाते हैं। लेकिन जब ये प्यार करते हैं तो पूरा ध्यान अपने प्यार पे लगाते हैं, तो जिससे इनके पार्टनर इन पर इनकी ओर अट्रैक्ट रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं इनके लव लाइफ में, कि ये लव लाइफ में रोमांटिक होते हैं और अच्छे से लव करते हैं। दूसरा, इनके करियर की बात करूँ तो करियर में ये होना है कि ये एक एम को, एक टारगेट को पहले डिसाइड करते हैं और उसको सक्सेस करने के पीछे लग जाते हैं। इनको सफलता हो सकता है थोड़ी देरी से मिले, लेकिन वो सफलता मिलती है। वैसे इनके पास पैसे की उतनी कमी नहीं देखी गई है, लेकिन कैरियर में सफलता थोड़ी देरी से मिले, लेकिन ये सक्सेस होते हैं, क्योंकि जब ये कैरियर में अपने उतरते हैं तो पूरे प्लानिंग बनाकर उतरते हैं, और जैसा मैंने बताया कि जो काम इनको पसंद है उसी काम में हाथ डालते हैं, दूसरे के प्रेशर से नहीं, और ये अपने काम को करके दिखाने में यकीन करते हैं। मतलब कि फालतू की बकवास नहीं, मतलब कि ये होते नहीं है कि डींग हाँकना, गप्पे हाँकना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और करना धरना कुछ रहते नहीं है। बस इसमें बक पक करने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन इनकी जो मेंटेलिटी है ना, इनको बातचीत करना तो ज़्यादा पसंद है नहीं, तो इसलिए ये गप्पे हाँकते नहीं हैं, अपने काम को पूरा करते हैं, पूरा करने में विश्वास रखते हैं, जिस कारण ये अपने काम को सक्सेस करते हैं। तो इनका जो योगदान है ना समाज में, अपने परिवार में, जो इनका जो योगदान है वो एक अलग ढंग से एक अनोखापन लिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं इनकी जो नेचर और पर्सनालिटी को जिस तरह से मैंने देखा, तो उसको देखकर मैं आपको ये बोलूँगा ना कि अपने सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से ये इंसान अपने समाज, जहाँ पर रहते हैं, अपने समाज, अपने परिवार में एक मान सम्मान प्रतिष्ठा अर्जित कर लेते हैं और अपना एक अच्छा लाइफ जीते हैं और एक अच्छा लाइफ बना लेते हैं, जिसमें कि इन्हें सब कुछ प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे मेरे वाई लेटर के एनालिसिस, और अगले बार मिलता हूँ आपसे किसी नए लेटर पर लेकर। नए लेटर तो मैं मोस्टली एक ही अब बच गए, जेड, तो जेड को लेकर बात करूँगा, और उसके बाद ये हमारे अल्फाबेट सीरीज के जो चल रहे हैं ABCD वाले सीरीज खत्म होंगे, फिर मैं किसी नए टॉपिक्स लेकर आप लोगों के लिए आऊँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।